सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले सतीश कौशिक आज हर एक आंख नम कर गए हैं। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाने वाले सतीश कौशिक के जाने के बाद इंडस्ट्री में मातम छा गया है। लेकिन बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया। दरअसल 1985 में सतीश कौशिक शादी के बंधन में बंधे। शादी के कई साल बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अफसोस, उनका बेटा जब 2 साल का था तभी उसका निधन हो गया। बेटे की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसे निकलने में सतीश कौशिक को काफी समय लगा। हालांकि बेटे की मौत के बाद 16 साल बाद साल 2015 में उनके घर में फिर से किलकारियां गूंजी। सैरोगेसी की मदद से उनके घर बेटी ने जन्म लिया। वहीं हरियाणा में जन्मे सतीश कौशिक ने एक्टर और डायरेक्टर के अलावा एक कॉमेडियन और स्क्रीन राइटर के तौर पर भी काम किया। फिल्म दीवाना, मस्ताना और मिस्टर इंडिया उनके किरदारों को आज तक फैंस भूल नहीं पाए हैं। इसके अलावा गोविंदा के साथ भी उनकी जोड़ी खूब पसंद की जाती थी, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। फैंस को झटका इस बात का भी लगा क्योंकि चंद ही घंटों पहले वह बॉलीवुड स्टार्स के साथ होली मनाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन हिंदी।